अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी टी केक बनाने की रेसिपी। तो टी केक बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया और उसमें ऐड कर दिया है एक कप मैदा और 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर एंड 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। आपने ये सारी चीज़ें छान के लेनी है। मैंने इनको ऑलरेडी छान लिया था पहले से ही और अब मैं इसको अच्छी तरीके से कर दूंगी मिक्स। उसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया है ग्राइंडर और उसमें मैं ऐड करूंगी 2 अदद अंडे। अगर आप चाहें तो अंडे की जगह 1/2 कप दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको एगलेस केक चाहिए। और 1/2 कप मैंने इसमें ऐड की है शुगर और 1/2 कप ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है कुकिंग ऑयल। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे ताकि ये क्रीमी टेक्सचर में आ जाए। तो ये क्रीमी टेक्सचर में आ चुका है। अगेन मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है और उसमें मैं अब क्रीमी मिक्सचर ऐड कर रही हूँ और उसके बाद अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हमने पहले से मिक्स करके रख लिए थे उसको थोड़ा थोड़ा डालेंगे। उसको साथ साथ मिक्स करते जाएंगे, एक साथ हमने नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके करना है। तो जल्दी जल्दी से हम ये कर लेते हैं। जी तो ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। तो अब मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 कप मिल्क और उसको भी थोड़ा थोड़ा करके मैं ऐड करूँगी और साथ साथ मिक्स करती जाऊँगी। और अब मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून वैनिला एसेंस और उसको भी अच्छे तरीके से हम कर लेंगे मिक्स। तो आप देख सकते हैं कि इतना पतला हमारा बैटर होना चाहिए, इससे ज़्यादा पतला या सख्त नहीं होना चाहिए। लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 कप चॉकलेट चिप्स। आप चाहें तो इसमें नट्स भी ऐड कर सकते हैं या इसको ऐसे भी बेक कर सकते हैं। और अब मैंने बेकिंग पैन ले लिया और उसको मैं अच्छी तरीके से कर लूँगी ग्रीस और अब हम ऐड कर देंगे उसमें ये बैटर और उसको टैप करेंगे और इसको अब थोड़ा गार्निश कर लेंगे। आप नट्स भी डाल सकते हैं, मैं चॉकलेट चिप डाल रही हूँ और इसको 180 डिग्री पे बेक कर लेंगे 20-25 मिनट्स के लिए। तो जी ये बेक हो चुका है और अब हम इसको चेक कर लेते हैं, कच्चा तो नहीं है। तो देख सकते हैं कि बिल्कुल कच्चा नहीं है और अब हम इसको बाहर निकाल। तो स्पॉन्ज केक हमारा बनकर तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सो वॉट आर यू वेटिंग फॉर, जाइए और जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हाजिर रहूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम।